Hey, what's up everybody? My name is Karan and welcome back to my channel again. My channel name is Exam Tapri और हमेशा की तरह VAET के आज के पेपर का एनालिसिस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्या इफेक्ट इन फ्यूचर पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ बता दूं, अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का माध्यम है, व्हाट्सएप का माध्यम है, वहाँ आप हमसे हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं और बहुत ही नॉमिनल हमने चार्जेस रखी है। उसके बाद आप हमसे जुड़कर अपनी काउंसलिंग के लिए, अपनी चॉइस फिलिंग के लिए, आप जब आप कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पे कोई आपके सीनियर्स का नंबर या उनका इंस्टाग्राम अकाउंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो भी एक बहुत ही हेल्पफुल आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो बता दूं, मैं आज 3 शिफ्ट में आज पेपर हुआ है। जहां तक मैंने बच्चों से पूछा है तो उन्होंने कहा कि 3 शिफ्ट में आज का पेपर हुआ है और जो 2 शिफ्ट का जो पेपर है और इवन लास्ट जो 2 शिफ्ट का जो पेपर रहा है वो पेपर लगभग लेंदी रहा है, जिसमें फिजिक्स और यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों के पेपर को लेंदी बच्चों ने बताया। तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिज्म वाले टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आज के बने हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ बार बार कि देखो हो क्या रहा है कि हर शिफ्ट का पेपर की जो लेवल है वो कभी ऊपर है कभी नीचे है, तो बाय द एंड ऑफ द टाइम चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। तो ऐसा घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि अगर आपके शिफ्ट का पेपर बहुत टफ आया है या ऐसा कुछ आया है, तो वो सारी चीज़ें जब VAET आपका जब रिजल्ट बनाएगा तो उसमें वो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट की जब मैं बात करूँ तो आपको रैंक और मार्क्स आपको मिलेंगे। मेरे को नहीं लगता है कि परसेंटाइल वाला सिनेरियो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि परसेंटाइल वाला फिर वापस उसमें परसेंटाइल आएगी, फिर रैंक आएगी, फिर पता नहीं कब क्या आएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको हो सकता है रैंक मिल जाए या हो सकता है आपको मार्क्स मिल जाए। मार्क्स मिल जाएंगे आपको, मतलब आपको एक तरीके से प्रोविजनल आंसर की मिल जाएगी, फिर उसका फाइनल आंसर की मिल जाएगी जैसे कॉमेंट की में मिला है, और उसके बाद फाइनली आपको रैंक आपकी मिल जाएगी। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम होगा। इससे लेंदी अब किसी के पास टाइम नहीं है, VAET के पास भी, उनको भी कॉलेज में एडमिशन लेने, मणिपाल ने तो ऑलरेडी लेने शुरू कर दिए हैं, तो VAET और कॉमेट के वालों को भी लेने हैं, तो वो फटाफट इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक अब मैं बताऊँ एक और शिफ्ट का, तो दूसरे शिफ्ट का जो रहा है उसमें जो क्वेश्चन है कंसेप्चुअल बेसिस जनरली रहे, कंसेप्ट बेसिस क्वेश्चन ज़्यादा रहे हैं। उसमें बच्चों का कहना है कि पेपर का जो लेवल है वो लगभग मॉडरेट है, लेकिन मैथमेटिक्स का पेपर आज के दिन का टफ था, जिसमें 2D और 3D और 2D के पेपर क्वेश्चंस काफ़ी थे साथ से, लेकिन पेपर का जो लेवल था मैथमेटिक्स का आज का पेपर वो टफ था। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को बच्चों ने आज के दिन का जो पेपर हुआ है वो लगभग ठीक ठीक बताया है, लेकिन मैथमेटिक्स का पेपर आज का टफ था। कल की मैं बात करूं तो कल जो था वो फिजिक्स का पेपर टफ था, उससे पहले एक शिफ्ट का ही पेपर टफ था। तो एक्चुअली क्या है कि कभी किसी शिफ्ट का पेपर टफ हो रहा है, कभी किसी शिफ्ट का टफ हो रहा है, तो आपको इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका काम था पेपर देना, आपने पेपर दे दिया है, बाकी VAET का काम है, आपकी रैंक आ जाएगी और रैंक के बाद अपन लोग कैटेगरी 5th तक अपन काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पे हो जाएगा, क्योंकि आपको किस कैटेगरी तक लेना चाहिए, किस कैटेगरी तक नहीं लेना चाहिए, चेन्नई वाली ब्रांच आपको CS की कब उठा लेनी चाहिए, क्या आपको 3rd कैटेगरी तक VAET के मेन कैंपस में जाना चाहिए, ये सारी डिटेलिंग आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।